बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ, इससे पहले एक छोटी सी और प्यारी सी हदीस है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद मरवी करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक बालिश्त, बालिश्त होता है पूरा एक हाथ, जब आप हाथ की उंगलियां खोल देते हो तो एक बालिश्त बन जाता है, अगर किसी ने भी एक बालिश्त के भर ज़मीन के मामले में, ज़मीन जैसे आपको भी पता है ज़मीन बेचने के लिए भी होती है या किसी भी मसले में अगर कोई किसी को ज़मीन लेकर भी दे रहा है तो एक बालिश्त भर ज़मीन के मामले में जुल्म किया, इसे सात ज़मीनों का तोक डाला जाएगा। तोक सात ज़मीनें के अंदर से एक दायरा निकालो और उसको आपके गले में डाल दो। तो मैं कहती हूँ एक ज़मीन का हिस्सा नहीं आप बर्दाश्त करोगे या एक मरकब हिस्सा नहीं बर्दाश्त आप कर सकते तो सात ज़मीनों का हिस्सा कैसे बर्दाश्त करोगे जब आपके गले में डाल दिया जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ज़रूर इस बात को गौर से अपने दिमाग में बिठा लें, कभी भी नाप तोल में और इस तरह के कामों में कभी भी गलती ना करें। ये रिज़्क़ को चीज़ें खींच लेती हैं, वक्ती तौर पे तो शायद आपको फ़ायदा दे जाए लेकिन सारी ज़िंदगी फ़ायदा नहीं दे सकती। आइए अब एक प्यारे से वजीफे की तरफ चलते हैं। आपने गंदम जो या फिर आपने माश के दाने, गंदम जो माश के दाने, इनमें से गंदम के दाने मिलते हैं तो गंदम ले लें, चलिए चावल के दाने ले लें और लेने आपने सात दाने हैं, लेने कितने हैं सात दाने हैं, सात दाने आपने जो उनके ऊपर पढ़ाई करनी है ना वो सात दाने आपने अपने पास रखने हैं। सुबह सुबह उठकर फजर के टाइम आपने, ये चार दिन का अमल है और चार से ग्यारह दिन तक आप ये अमल करेंगे, और सुबह सुबह आपने आपने दाने अपने सामने रख लेने हैं, जो भी आप दाना लेना पसंद करते हैं दाने आप अपने सामने रख लो, दाने आप अपने सामने रख लो और उन दानों के ऊपर अब जो मैं आपको पढ़ाई बताऊंगी वो आपने करनी है। इंशाल्लाह अगले साल के हिसाब के मुताबिक आपके कभी भी कोई भी आपके घर में किसी किस्म की रिस्क की कमी या कोई भी परेशानी आपके साथ नहीं जुड़ेगी इंशाल्लाह, जिसमें रिस्क मौत जिंदगी वगैरह शामिल है। और अगर ये अमल आप शब्बे बारात वाले दिन रात के वक्त, ठीक है, इबादत के बाद अगर आप ये अमल करते हो, दाने साथ रखते हो और सिर्फ 11 दिन तक ये अमल दोहराते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी रिस्क की कभी कमी नहीं होगी। अल्लाह पाक आपका इतना रिस्क बढ़ाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे, आपकी पूरी नस्लें ये रिस्क खाती रहेंगी तब भी कम नहीं होगा। लेकिन हर साल आप ये अमल करोगे। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें ताकि और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।